सऊदी कहता है पाकिस्तान भिखारी है और इसको जूती के बराबर रखो, अब पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो है फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है। पाकिस्तान क्या इस लेवल पे हमारा उनके साथ कोई एंगेजमेंट हो सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने और भगवत गीता पे लिया है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इंडिया की जो वैल्यू है या इंडिया की जो रेलिवेंस है वो कितनी ज्यादा है। हमने ये देखा है इन चंद सालों के अंदर के ना सिर्फ हिंदू बल्कि इंडियन जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। I, Varun Ghosh, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, his heirs and successors according to law. So help me God. वो जो चीज जो इंडियंस अब ले चुके हैं पाकिस्तान तो नहीं वो कर सकता। इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है, हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की और हर कोई फैन बना। वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, एक्चुअली उन्होंने अपना अपने खुद को मनवाया है। हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट समझ ले, बहुत ज्यादा रेपुटेशन खराब समझ ले जो कि दूसरे ममालिक में चल रही है, दूसरी जानिब सिक्का इंडिया और मोदी का चल रहा है। हम करेक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता। अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि इंडिया के जो स्टूडेंट हैं या इंडिया की जो यूथ है, इंडिया का जो डायस्पोरा है, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो हैं फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने और भगवत गीता पे लिया है। हमने ये देखा है इन चंद सालों के अंदर के ना सिर्फ हिंदू बल्कि इंडियन जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गूगल में सर्च कर ले तो ज्यादातर आपको इंडियन ही सीईओ नजर आएंगे, अमेरिका को चलाने वाले इंडियन, कनाडा की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियंस की तरफ से आता है और आज ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर भी इंडियंस बने हैं। अगर वरुण घोष की बात करें तो ये 17 साल के थे जब ये इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया गए और आज उन्होंने वहां पर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर एक ओहदे पर जी अपना मकाम बना लिया। एक खबर पड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के अंदर इंडियन एमपीज ने ओथ लिया और अपनी किताब भगवत गीता पर इंडियंस मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं, अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं और दुनिया में आप देखिए हर जगह बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं। वजह क्या है कि उनके पास बेटर एजुकेशन है। हम हर बात में कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला करना है लेकिन हम तालीम एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें हम इंडिया से बेहतर होंगे। मैम कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ना एजुकेशन में हम उनसे बेटर हैं, इवन के स्पोर्ट्स में हम उनसे बेटर नहीं है। या अगर हम बात करें अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है रामास्वामी लड़ने वाले हैं, मतलब कुछ सालों के अंदर हम देखेंगे कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडियन है, बर्तानिया का ऑलरेडी इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट तक भी इंडियन पहुँच चुके हैं, वो अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के लिए फैसिलिटीज़ भी भेज रहे हैं, बच्चों के लिए वीज़ाज भी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो सर वो उसने तो आप देखिए पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया और पाकिस्तान को सेट असाइड कर दिया बहुत पीछे। नेशनल लेवल पर आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब हमें क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जितनी भी है चाहे स्ट्रॉन्ग है नहीं है स्ट्रॉन्ग, आपकी नेशनैलिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज है कि हम जब दूसरे कंट्रीज में हम जा रहे होते हैं हमें पता चल जाता है कि यार ये हम पाकिस्तानी हैं, जबकि इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, एक्चुअली उन्होंने अपना अपने खुद को मनवाया है। हम करेक्टरिस्टिक लेवल पर भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। तो आप जैसे कह रही हैं कि अदर कंट्रीज़ में वहाँ पे सीएम इंडिया के हैं या लेक्चरर्स इंडिया के हैं, सो हमारे में ना किसी टैलेंट की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर एजुकेशन पे कोई बात क्यों नहीं करता? एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका हो गया, भारत हो गया, बाकी हम तमाम मुल्क हैं जो वो एजुकेशन के लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं और हम बहुत पीछे हैं। सर आज की जो खबर मैंने पढ़ी जो मुझे बहुत हैरान कन लगी कि इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन है वरुण घोष उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेनेटर बन गया इंडियन ओरिजिन के। अमेरिका में देखे तो इंडियन बैठे हुए हैं, बर्तानिया के वजीर आजम इंडियन बन चुके हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियंस आ चुके हैं, पूरी दुनिया हर अच्छी सीट पे इंडियंस ही बैठे हुए हैं। जी ऐसा ही है, मगर ये क्यों नहीं आता? वो टैलेंट बिकता भी नहीं ना दिखता है, नजर आता है, नजर क्यों नहीं आता? मगर ये जो सियासतदान है जो ये हमें ऊपर प्रमोट ही नहीं करते,
ये हमारे साथ ही ये काम ही नहीं कर रहे, ये सिर्फ ये पुल बना दिया, ये बना दिया, एजुकेशन पे कोई बात ही नहीं करता। एजुकेशन अगर हमारे पास हमारी होगी तो फिर ही हम ये आगे कर सकते हैं। बांग्लादेश के मॉडल के अंदर जो बांग्लादेशी मॉडल है वो अपने पड़ोसियों के साथ हालते जंग में नहीं है, उनके भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। आपके इस वक्त जितने पड़ोसी हैं आप हर के साथ हालते जंग में, तो बांग्लादेशी मॉडल किस तरह चलेगा यहां से? मुझे कोई बता दे ये बंदा, कोई जी शऊर, मुझे ये ना कहो कोई अनपढ़ बंदे भी खैर पता ही होता है चीमा साहब, कोई मुझे जी शऊर आदमी ये बता दे कि आप हर पड़ोसी के साथ हालते जंग में हो, आप तरक्की, आप सर्वाइव किस तरह करेंगे? तरक्की को छोड़ दें, हाउ कैन यू सर्वाइव? जर्मनी हिटलर की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने 3-4 मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर जंग छेड़ ली थी। आपकी एक जंग अफगानिस्तान के साथ है, एक जंग आपकी ईरान के साथ है, एक जंग आपकी भारत के साथ, और जो जिनके सी पैक से आपने पापा जान खरीदे थे वो भी आपसे खुश नहीं, बताएं आप क्या करेंगे, आप किधर जाएंगे? ये इलेक्शन किस चीज, ये प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये इलेक्शन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत रखता है? फिर आगे मैंने बताई नहीं बात चीमा साहब, आगे क्या हो रहा है वो तो मुझसे पूछा नहीं आप। जी जी, तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो आ रहे हैं उनकी मंडियां बकरा लाटरियां, वो जो मंडी वो लगेगी वो भी दुनिया देखेगी। तो चीमा साहब ये दर हकीकत दुख है, उसकी वजह ये है कि 21st century है, मेरे पड़ोस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 1,00,000 स्पेशलिस्ट बनाने की तैयारियां हैं, और आपको कहा जाता है गजवा हिंद, खुल्फ़ाए राशिदीन का दौर, मुर्शद पाक, बकरे, काले बकरे, कहते जज बशीर जो है वो पिंकी पीरनी के दहशत से गिर गया, कहते जिन आगे वहां पे उसकी तपश से गिर गया वो अदालत, वही बात, वही बात, जिनों से भी कभी चले मुगैया। चीमा साहब ये कंट्री है आपका, ये एटॉमिक पावर आप जिनों से चलवाते रहे आप, ये कितनी ज्यादा एक इंडिया जिसे वो कहते हैं ना अपने जियोपॉलिटिकल गैम्बिट खेल रहे हैं, अपनी एक ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे खेलना, लेकिन वो खेल रहे फ्रंट फुट पे आके रहे हैं, वो बैक फुट पे नहीं वो खेल रहे, वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। उन्होंने अपना जो मैसेजिंग है वो पूरी दुनिया को कर दी हुई है, और वो अपने इंटरेस्ट से बैक ऑफ नहीं कर रहे, और मैं समझता हूँ यही चीज़ है कि दैट गिव्स देम एन उनको एक एज जो है वो ज़रूर मिला है ओवर एवरी अदर कंट्री। लेकिन उसके लिए सिंपल सी बात है भाई, पहले अपना होमवर्क करें, अपने आप को इकोनॉमिकली ठीक करें, फाइनेंशियली ठीक करें, अपने आप के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएं, और नोबडी इज़ इंटरेस्टेड आपके अंदर इस वक्त क्या है, आपकी ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ किधर हैं, आपकी रिलीजियस फ्रीडम किधर है, आपने मीडिया को कितना दबाया हुआ है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये कोई सवाल जवाब नहीं है, ये कुछ भी नहीं। मैं इनको ज़ाती तौर पर समझता, ये सिर्फ बातों की हद तक है,